वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए व्यूवर्स हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रैवलिंग दोस्त। तो तुम्हारा भाई जा रहा है शनिधाम की यात्रा करने, और मेरे साथ और कौन कौन जा रहा है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। कौन सा भाई हो? राम राम जी। राम राम जी, राम राम। ये कौन है? कलिया। ये मेरे कलिया, चित्ता कलिया, विजय कलिया। चलो जी, बैग तो उतार लो। यात्रा शुरू करते हैं। कहाँ की? शनि धाम की। बोल शनि महाराज की। तो दोस्तों, अब आने वाला है हमारे फरीदाबाद का बहुत ही फेमस हनुमान मंदिर। वो आपको आने वाले टाइम में पूरा ब्लॉग में बना के दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा दूर से ही दिखाऊंगा। ये अपने हनुमान जी हैं, शायद अपने कैमरे में आए, आ पाए या ना आ पाए। आ गए। बोल बजरंग बली की जय। भाई जय। ये था अपने फरीदाबाद का बहुत ही फेमस हनुमान मंदिर। इसको आने वाले टाइम में जरूर कवर करेंगे, लेकिन अभी चलते हम लोग शनि धाम। वैसे हम लोग रास्ता भूल गए थे, और भूले हुए रास्ते से आने में जो नज़ारे दिख रहे हैं वो नज़ारे ही आनंद दे रहे हैं। तो भाइयों, ये सामने जितनी भी गाड़ियां जा रही है ना, तो आपको काफिला दिख रहा है। मैं दिखा नहीं पा रहा है। ये जितना भी काफिला दिख रहा है, ये सारे के सारे गूगल मैप वाले हैं, और एक दूसरे के पीछे सारे के सारे चलते जा रहे हैं। अगर अभी डब्बू ने आगे वाली गाड़ी को घुमा के बोला ना कि गलत जा रहे हो, इधर आओ मेरे पीछे, तो ये सारा काफिला हमारे पीछे हो जाएगा। किसी को भी रास्ता नहीं पता, अभी तक भूले भटके चल रहे हैं, और हम भी इनके पीछे चल दिए। आखिरकार गूगल मैप हमें ले आया शनिधाम मंदिर के पास, और बिल्कुल सामने हमारे शनिधाम की पार्किंग और शनिधाम मंदिर। पहुंचने वाले हैं बस दो मिनट में। ये आ गई हमारी शनिधाम की पार्किंग, और एक हमारे लिए मेन जो चीज थी, जो शनिधाम की बहुत बड़ी मूर्ति है जो मेन रोड से आते हैं वहां से जो दिखती है, वो रह गई दोस्तों। कोशिश करूंगा कि वो जाते टाइम वीडियो में कवर जरूर करूं, क्योंकि वो मूर्ति तो मेन है यार। शनिदेव की इतनी बड़ी मूर्ति छूट गई, अच्छी बात नहीं है ये। तो भाइयों, हमारा हो गया है पोपट। कैसे हो गया? हम जो गूगल मैप के थ्रू रास्ते से आ रहे थे, शनिधाम मंदिर तो पहुंच गए, और वहां पर पार्किंग की भी जगह मिल गई। लेकिन मैंने कहा था आपको कि मैं आपको दिखाऊंगा शनिधाम की, जो शनिदेव की बड़ी मूर्ति है वो दिखाऊंगा। इन्होंने सामने से गाड़ी निकालने का रास्ता, जो रास्ता उस रास्ते से जाके कनेक्ट होता है, वहां पर इन्होंने वो बंद कर रखा था। क्यों? क्योंकि इस साइड जो पार्किंग में गाड़ियां लगी हुई हैं वो उस साइड ना जा पाए, और उस साइड वाली इस साइड ना पाए। ये इनका बिजनेस है। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी लेकिन नहीं माने, तो हम अब जा रहे हैं वापस मेन उसी रास्ते से आएंगे। शनिधाम की, शनिदेव की मूर्ति भी कवर करेंगे, और हमें इतना पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा जितना हमें अब चलना पड़ता है। हमें इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके और फिर शनिधाम की परिक्रमा करके फिर हमें वापस गाड़ी लेने के लिए भी इतनी दूर चलने आना पड़ता। तो हमारे जो डब्बू जी हैं, ये बहुत ही गुस्सा करके उन लोगों से डब्बू मूड खराब हो गया। नरे यार हिंदी प्लीज हिंदी। उन लोगों पे मूड खराब हुआ या गूगल मैप पे? अरे रास्ते वालों पे। अच्छा, रास्ते वालों पे, मतलब गूगल मैप पे। चलो कोई नहीं, गूगल मैप का भरोसा कम ही करें आप लोग। अगर आपको दिखता है शनिदेव शनिधाम आते हुए कच्चा रास्ता, तो दिखता है तो हमें भी बताना। अगर आपको कच्चा रास्ता दिखता है, गूगल मैप आपको लाता है कच्चे रास्ते में, तो आप भी अवॉइड करिए, वापस से जाइए घूम के तभी, और मेन रास्ते से आइए जो रास्ता आपको पता हो। नए रास्ते में कभी मत चलिए, धोखा हो जाएगा, हमारी तरह पोपट हो जाएगा। तो मिलते हैं शनिधाम मंदिर में। मंजिल पास ही थी, मिलते मिलते रह गई, लेकिन मंजिल हासिल करेंगे घूम के। लो भाइयों, ये रही शनि धाम जी की मूर्ति। बोलो भाई शनि महाराज की। डब्बू जय। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हम शनि धाम, और अपने जूते चप्पल यही गाड़ी में छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमें करनी है परिक्रमा। अरे डब्बू जी, आप आगे आगे भागे जा रहे हो। ये कितने किलोमीटर का ट्रैक है ये पैदल ट्रैक जो है, पैदल यात्रा जो है? पता नहीं जी, हमें नहीं है। आप हर बार आते रहते हो, आपने कभी नापा नहीं? यहाँ पर आप 10 बार चक्कर काट चुके होंगे मेरे हिसाब से। गाड़ी से नहीं गए ना कभी, हम पैदल ही चलते हैं। नहीं, इसलिए हमने नापा नहीं।
तो मेरे अंदाजे से मैंने एक बार जब पिछली बार आया था मैंने नापा था 2.5 से 3 किलोमीटर के करीब है। अच्छा। तो दोस्तों ये है शनि धाम मंदिर के नज़ारे। दमड़ी लिए पानी लिख रही है, दमड़ी भी देंगे। आ जाओ भाई कुएं से पानी भरते हैं शनि धाम मंदिर से। ये ले प्रॉपर दे दी वीडियो। हां हां ये सलान पूरा। हां जा जा इन के एक्वा भी दिखा ना जिके ना जा चला इन तेरे ना ना तो नहीं जा। ये देखिए काफी गहरा है लेकिन पानी ऊपर ही है भाई। नहीं नहीं पानी का लेवल बहुत ऊपर है ना यहाँ पर। सोता है यही पानी पीते हैं। इधर अपनी मेहनत से कुआं खोद के पानी निकाला है। जय शनि देव। ये नजारे देखो। ओ होए 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 मिल गए बाबा जी। मिल गए बाबा जी। राम राम बाबा जी। सालू ने सुना दीजिए कुछ। रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम। अरे रुपए राघव राजा राम पति के पावन सीताराम। जय राम जय जय राम। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम है रतन। रतन जी आप यहाँ पर हर शनिवार को आते हैं? कैसी आ जाती बेटा, मैं दिवस तो आवा हूँ जैसे दर्शन करने के लिए चला आया था। अच्छा, अच्छा। बैठ जाता आपके भी हो जाते। अच्छा अच्छा है भगवान के भी हो जाते मानस के। चलो बाबा जी आपका भजन हमें बहुत अच्छा लगा, आपको दक्षिणा दे देते हैं। पता चल है जब बसम कर 1.5 किलोमीटर हम पैदल चल के आ चुके हैं। हिंदी 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 खड़कुन पल्ला हिंदी घास खड़को घास बोलते हैं। हाँ जहाँ पर घास रखी थी ना वहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी करनी थी। ये रही वो पार्किंग। अब यहाँ पर हमें गाड़ी खड़ी करके 1.5 किलोमीटर जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पर जाना पड़ता और फिर पूरी यात्रा 3 किलोमीटर की कंप्लीट करके फिर 1.5 किलो यहाँ पर आना पड़ता। हाँ यार यहाँ से गाड़ी निकल जाती है फिर खड़ी कहाँ करते फिर खड़ी कहाँ करते नहीं नहीं यहाँ लोग पैदल चल रहे हम कैसे निकाल लेते गाड़ी और ये आने नहीं देंगे। हाँ आने नहीं देंगे भैया। 3 किलोमीटर वाला हमारा ट्रैक जो है ना वो 6 किलोमीटर का हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके 1.5 किलोमीटर उधर जाना फिर यात्रा पूरी करके वापस आना। अरे पानी कहाँ से आ गया। हाँ कंकर ज़्यादा लग रहे हैं तभी तो मैं भी इसके बीच में चल रहा हूँ। इधर है इधर सीधा इधर है ना उठ जाती है ना क्यों बाइक ले। ये वहीं पर आ गए जहाँ से हमने यात्रा शुरू करी थी। यात्रा कंप्लीट हो गई है। यहाँ से यात्रा हमने शुरू करी थी और घूम के 3 किलोमीटर इधर यात्रा ख़त्म होती है। अब जाएंगे सीधा मंदिर में। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए इस वजह से सारी के सारी दुकानें जो है बंद पड़ी हैं। यहाँ पर मेला सा लगा रहता है। ये रहे होटल अब लग रहा है अच्छा सा। पेटीएम फोन पे फोन पे फोन पे कर रहा है। लो भाई ये भाई यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट लेते तो सीधा यहाँ पर आए ऑनलाइन पेमेंट के लिए बिना किसी दिक्कत के। बता देने का नाम बता दो भैया। दीपक भाई। दीपक भाई की दुकान है शनिदेव मंदिर के बिल्कुल मेन गेट के राइट साइड में। वो बता नंबर बता क्योंकि हम लोग ऑनलाइन के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हुए।
पास स्थान जहाँ से आए हो जिस जगह से उस जगह का नाम लेंगे, बोलेंगे ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम श्री विष्णु, श्री श्री विष्णु, श्री विष्णु, ओम राम, राम प्रीम, प्रीम ओम, ओम सह सह श्रीराय, श्रीराय नमो, नमो नमः, नमः ओम, ओम शांति शांति, शनि शांति, शनि शांति, रवि शांति, रवि शांति, सोम शांति, सोम शांति, मंगल शांति, मंगल शांति, बुध शांति, बुध शांति, गुरु शांति, गुरु शांति, शुक्र शांति, शुक्र शांति, शनि शांति, शनि शांति, ओम राम प्रेम ब्रह्म श्री जानवः, ओम मिलांद्रम शमाशम रवि पुत्रम यमकृतिम छायामार्थम नमामि सनित्रम शरणो देवी रविष्टम शरणम नमामल्ले शिव सर्वाशाद के नारायण गौरी नमस्कृतम चेहरा परसाई देखना चाहिए सुनो ना देखिए बाबा का कोई भी संकट होता तेल में आकर नष्ट होता है दीपम ज्योति पापोहरि ओम प्राम प्रेम प्रोम प्रेम सनित्राय नमः हाँ जोड़ के बोलेंगे हे शनि बाबा हम आपके पावन धाम में आए हैं आपकी पूजा की है आपकी अर्चना की है आपकी परिक्रमा की है आपकी छाया देखी है आपकी आरती बारी है हे बाबा हमसे हमारे परिवार से इस जन्म में पूर्व जन्म में कोई भी पाप कर्म हुआ हो उसे क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें हमारी पूजा को स्वीकार करें स्वीकार करें स्वीकार करें धन धाम की वृद्धि करें भक्ति करें शक्ति करें गृह संकट का निवारण करें वो सच्चे दरबार की हरिलाल बरखंडी बाबा की शनिदेव बाबा की जय शनिदेव बाबा तेरे भक्त से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना मनोकामना की पूर्ति करो गृह संकट का निवारण करो भक्ति करो शक्ति करो वो सच्चे दरबार की जय देखो जी अब धूप बत्ती अगरबत्ती जलेगी तेल जो है बाबा पर चढ़ाया जाएगा जब बाबा पर तेल चढ़ाए सामने ना देखें पैरों तरफ देखकर बाबा पर तेल चढ़ाए ब्राह्मण की दक्षिणा ब्राह्मण को करें बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें आपकी यात्रा मंगल में रहो जय श्री शिवदेव जय श्री राधे जय श्री शिवदेव बाबा को हाँ जी बोल बांके बिहारी लाल की दिल सही बनी हाँ बढ़िया टॉप अरे इधर से गीत बढ़िया लग रहा है चल भाई डब्बू आराम से दर्शन हो गए शनिदेव के है ना ज़्यादा भीड़ नहीं मिली हमें रात होने के कारण मंदिर के अंदर गए थे तो थोड़ा उजाला था और बाहर निकले तो पूरी के पूरी रात हो चुकी है भाई और ये हमारे साथ जो तीसरे हमारे मित्र आए हैं ये कुछ बोल नहीं रहे ये सोशल मीडिया से दूर रहते हैं अभी तो बोल दो कुछ किसी को कुछ नहीं बताना कुछ नहीं बोलेगा और यहाँ पर भंडारे का आप ऑर्डर दे सकते हो अगर आपको करवाना है तो और इठे भी। और यहाँ पर भी आप ऑर्डर दे सकते हो अपने हिसाब से जितनी जनता को आपको भंडारा खिलाना है आप बनवा के यहाँ पर डायरेक्ट कोई सामान नहीं लाना खाली पैसा दीजिए और भंडारा अपने नाम का बना के खिलाइए अरे ककड़ी नहीं है क्या उस्ताद मूली नहीं खीरा है क्या ककड़ी नहीं है ककड़ी तो नहीं मूली भी नहीं है गन्ने का जूस पिएगा ना तो जुकाम हो जाएगा कितने का है खीरा 3 खीरे छील के मसाला लगा के बढ़िया से भाई पानी में धो दियो दोबारा एक बार पूरी रात हो गई यार अब इसकी क्वालिटी पता नहीं कैसी आ रही होगी तरीके से छीलो ये वायरल कर देगा अंकल तेरे को देख ले कोई बात नहीं थोड़ा चैनल चलता है इसका जल्दी यूट्यूब पे आएगा तू हां हां बिल्कुल आन दे देख कलाकारी तो दिखा दे पीछे अब दिखा रहा हूं कैसा बना डब्बू अच्छा बनाया बंदे ने
गजब है ना। तो भाई देख लो ये खीरे वाले भाई हैं, बड़ा ही मस्त खीरा बनाते हैं। शनिदेव मंदिर से आप बाहर निकलते ही बिल्कुल सामने आपको दिखेंगे राइट साइड में 10 रुपए का एक खीरा, तबीयत को कर दे हरा भरा। दस रुपए में और क्या चाहिए यार। दीपू भी, क्या नाम है भाई आपका? धनीराम। शनिराम धनीराम धनीराम जाप के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? जाप। जाप जाप कहाँ पड़ता है? यूपी थोड़ी। हाँ यहीं पर यूपी में। जाप के रहने वाले 2 किलोमीटर। धनीराम नाम है भैया का। तो जब भी शनिदेव मंदिर से बाहर निकलो थोड़ा सा धन दे के जाओ। ये भाई भी आ जाएगा पीछे। विजय आपको कैसा लगा? ये देखो अभी भी बंदे ने शब्द नहीं बोला है। इसमें इन्होंने डाला है मसाला, हरी चटनी, जीरा, नींबू, मैंने डाटा उड़ियो। खाने के बाद स्वाद ही आ गया। यहाँ पर हमें खाने को बहुत कुछ मिल रहा था, समोसे, ब्रेड, कचौड़ी, सब कुछ तला हुआ था। हमको जैसा ढूंढ रहे थे जो तला हुआ ना हो। और ये जो इनका खीरा है, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। और इन्होंने बड़े दिल से बनाया, बड़े प्यार से बनाया हमारे लिए। और किसी के पास पैसे ना हो, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हाँ जी भाई, जाप नगर के धनीराम जी आपका दिल से धन्यवाद। आप रहिए, आपका दिल से धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छा खीरा बनाया। जब भी आएंगे हम शनिधाम या हमारी फैमिली से कोई भी आएगा तो धनीराम जी का दिल पसंद खीरा जरूर खाएगा। शनिधाम से गेट से निकलते ही राइट साइड में जय शनिदेव महाराज की जय। तो दोस्तों अब हम लोग शनिधाम जी के, शनिदेव जी के दर्शन करके वहाँ से निकल चुके हैं और बहुत मज़ा आया। थकान बिल्कुल भी नहीं हुई। 3 किलोमीटर का ट्रैक था टोटल, पैदल जो ट्रैक था। कुएं से पानी निकाला, बाबा जी से बातचीत करी, एंड में हमने धनीराम जी का खीरा भी खाया। और लास्ट में आपको एक जानकारी दे दूं कि यहाँ पर जो पार्किंग है, गाड़ी की पार्किंग का चार्ज है 50 रुपये। और उसमें कोई घंटे का सिस्टम नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा आप 24 घंटे गाड़ी रखो तो 50 रुपये ही पार्किंग लगेगी। आप आधा घंटा गाड़ी रखो तो भी 50 रुपये ही पार्किंग लगेगी। बाकी डब्बू जी आपको कैसा लगा घूम के? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। वैसे आप हर शुक्रवार की रात को आते हैं, शनिवार को रात 12 बजे आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बारी ये स्पेशल मेरे लिए रुके और मिस्टर विजय के लिए रुके, क्योंकि हम लोगों के पास शुक्रवार की रात को आने का टाइम नहीं होता है। तो हमारे पास शनिवार को दिन में टाइम था तो डब्बू जी हमारे लिए करके दिन में आया है। आपका दिल से धन्यवाद डब्बू जी। ठीक है जी, जय शनिदेव, जय शनिदेव महाराज। तो भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो नए व्यूवर्स हैं, ये देखो भाई, वो खराब है भाई, क्या कर रखा है ये? अल्लाह गाली नहीं भाइयों, ये देखो एक्सीडेंट होने से बच गया। ये पता नहीं क्या, ये क्या कर रखा, भूसा रख रखा है, क्या रख रखा है बताओ भाइयों। तो दोस्तों शनिदेव महाराज की कृपा रही, हमारा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो एक्सीडेंट तो बहुत तगड़ा होता। अभी यहाँ पर इन्होंने पता नहीं क्या बिछा सा रखा है, भूसा धर रखा है, पता नहीं धान सुखा रखा है, क्या रख रखा है। यही गाड़ी ली लग ले तूने? हाँ, नहीं नहीं लगी नहीं। और ये गाड़ी थी ये, नहीं वो निकल गई। हाँ, वीडियो बनाते बनाते अभी ऐसी वीडियो बन जाती कि वायरल ही हो जाती। साइड से गाड़ी एकदम, वो तो हमारे डब्बू जी पायलट बहुत तगड़े हैं, ये कमर्शियल पायलट है, कॉल सेंटर के पायलट। तो इन्होंने हमें बचा लिया, अगर मैं होता तो 100% ठोक देता, इसलिए मैं रात में गाड़ी नहीं चलाता। ठीक है दोस्तों, तो जय शनिदेव महाराज। शायद ये कष्ट था हमारा जो आपने दूर कर दिया, और हमें अंदाजा भी दिखा दिया कि भाई कष्ट दूर हो जाते हैं ना। विजय आपको कैसा लग रहा है, एक्सीडेंट होने से बचे हैं? पहले से बेहतर मैं पहले से बेहतर, जान बची तो लाखों पाए। तो भाइयों एक्सीडेंट होने से बच गया, दिल में बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, लेकिन एकदम आपने भी वीडियो में देखा होगा कि कैसे कैमरा हिल गया था पूरा, एक्सीडेंट हो जाता। तो दोस्तों शनिधाम की पूरी परिक्रमा करके और शनिधाम से निकल के हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा अपने घर। ये रहा हमारा घर, थोड़ी सी दूर बस।
और आप डब्बू जी को कहते हैं बाय और विजय जी को भी कहते हैं बाय। अगली बार मिलेंगे किसी और यात्रा में। किधर गए छुपके बैठा भाई? विजय देखियो मैं लेके ध्यान से। चलो भाई निकलते हैं, यात्रा अच्छी रही, सुख शांति से घर पहुंच गए। तो दोस्तों वहां से हम निकले थे 6 बजे और लगभग 9:30 बज रहे हैं, तो 3-3.5 घंटे का टाइम लग गया, 3 घंटे जाने के 3 घंटे आने के। तो अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।